जैसे आज के बाद जो हम सॉफ्टवेयर मोस्टली जो यूज़ करेंगे वो तीन सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे और जो पोस्ट हम कवर करेंगे वो हम तीन पोस्ट को कवर करेंगे तीन इन द सेंस मॉड्यूल वाइज कवर करेंगे. पहला मॉड्यूल होगा पेज का. बेसिकली आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर ढंग से चलाना आता है बट कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं आता है तो वो कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा क्योंकि जिनको आता है उनके लिए गुड है जिनको नहीं आता उनको भी सीखना है क्योंकि उनको भी पढ़ाना है आगे से. ठीक है तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने होंगे. बेसिकली अभी जो हम कवर करेंगे वीडियो से स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल वन में एमएस पेंट होगा. मॉड्यूल वन होगा राइटर का जो कि इक्विवेलेंट होता है आपके एमएस ऑफिस की तरह. हम जैसे सर ने बताया एमएस ऑफिस हम यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हम हर चीज़ परचेज करनी पड़ती है और यहाँ पे एमएस ऑफिस की जगह हम ओपन ऑफिस यूज करेंगे. इसका पार्ट होगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स जिसे राइटर भी बोलते हैं वो चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. उसके दो मॉड्यूल हैं राइटर वन राइटर टू. तीन मॉड्यूल हम अभी कवर करेंगे इस ट्रेनिंग सेशन में. उसके बाद क्योंकि हर बार पॉसिबिलिटी नहीं होगी जैसे सर पंजाब से हैं सर उत्तराखंड से हैं कि आपको वहाँ से आना यहाँ पे दो दिन के लिए या तीन दिन के लिए वो चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी तो उसके लिए कुछ प्लानिंग चल रही है रिमोट एरिया पे. बट जैसे हम जैसे काम करेंगे वैसे वैसे उससे भी ट्रेनिंग हो सकेगी और उसके लिए भी कुछ आइडिया होना चाहिए क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि जो आपके वहाँ पे पढ़ा रहे हैं उनको उस चीज़ की इतनी नॉलेज हो. तो वो सारी चीज़ों पे अभी बातचीत चल रही है उस पर प्लानिंग कुछ चल रही है. तो जैसे जैसे कोई अपडेशन होती रहेगी वैसे वैसे आपको भी ईमेल के थ्रू या आपके जो सीनियर्स हैं या फिर जो भी ईमेल्स होंगे उनके साथ में कॉन्टैक्ट रहेगा हमारा. ठीक है और सॉफ्टवेयर के साथ में हम कवर करेंगे वो होंगे ओपन ऑफिस और एक VLC. VLC क्यों यूज़ करेंगे उसके एक रीज़न है और बाकी तो सबको पता होगा कि विंडोज़ के अंदर बाय डिफॉल्ट एक मीडिया प्लेयर होता है सबको पता होगा. ठीक है तो वो मीडिया प्लेयर भी हम यूज़ कर सकते हैं बट कहीं केसेस पे कुछ ऐसा होता है कि वो सारी फाइल्स को सपोर्ट नहीं करता है. हम तो आपको MP4 दे देंगे. ठीक है MP4 वो सपोर्ट कर लेगा और वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट भी हो जाता है. अगर आपने गलती से कहीं और जगह क्लिक कर दिया तो शायद उसके जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं बिल्कुल. और VLC बिल्कुल सिंपल है तो इस वजह से VLC यूज़ करेंगे और ओपन ऑफिस भी आपको यूज़ कराया जाएगा. ठीक है उसके बाद में ये तीनों मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद में हम यूज़ करेंगे आपको दो और बुक्स दी जाएंगे. एक होगा हार्डवेयर को कैसे हैंडल करना है और सेकेंड होगा एक ही होगा सेकेंड तो नहीं होगा. तो उसमें क्या है कुछ कंसेप्ट हैं आपके आप में से बहुत ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर्स का सेटअप करना आता है और किसी को नहीं भी आता है तो उसमें सेटअप की प्रोसीजर है कि आप कैसे सिस्टम का सेटअप कर सकते हैं जिससे आपका कंप्यूटर रेडी हो जाएगा. ठीक है उसके बाद में हार्डवेयर के रिलेटेड में आपको कुछ विंडोज़ के पार्ट भी सिखाए जाएंगे जैसे विंडो की इंस्टॉलेशन कैसे करनी है विंडोज़ 8 कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे 7 XP हो सकता है कुछ को समझ में आएगा कुछ को नहीं आएगा. ठीक है क्योंकि एज पर प्रीवियस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग में आपको बोल रहा हूँ हो सकता है आप में से सबको समझ में आ जाए इजीली और किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है तो ये विंडो इंस्टॉलेशन यहाँ पे इसलिए सिखाएंगे जिससे कि आप दूर दूर से आए हुए. ठीक है अब आपके सिस्टम में दो सिस्टम या तीन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है जो सिस्टम हमने डोनेट किए हैं. ठीक है हर एक सिस्टम के हमारे पास में की है. ठीक है जब आप उसको रिबूट करोगे हम आपको इंस्टॉलेशन यहाँ पे बता देंगे तो आपको क्या करना है सिर्फ उसे रजिस्टर करना है. हम आपको वो की दे देंगे तो आप उसको यूज़ करके अपने सिस्टम को दोबारा से यूज़ कर सकते वो इशू यहाँ पे रहेगा. ठीक है तो वो हम लास्ट के पार्ट में सीखेंगे और एक क्लास की जो सबसे लास्ट वाली क्लास होगी वो आपके सारे कंक्लूजन की क्लास होगी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जिसमें पेंट के टॉपिक भी होंगे जिसमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के टॉपिक भी होंगे हार्डवेयर से रिलेटेड भी टॉपिक होंगे सारे टॉपिक का कॉम्बिनेशन होगा उस क्लास में. आपसे बीच बीच में कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे. ठीक है और कुछ नई चीज़ें आपको हो सकता है आप में से यहाँ पे बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें आती हैं कुछ आपसे हमें सीखने को मिलेंगी और शायद कुछ हमसे आपको नया सीखने को मिलेगा मैं इतना श्योर हूँ. ठीक है तो टाइमिंग यही रहेगा कल से 9 बजे से क्लासेस आपके स्टार्ट हो जाएंगे 11 बजे आपका 11 या फिर 11:15 पे आपका टी ब्रेक हो जाएगा. ठीक है और टी ब्रेक का टाइम प्रॉबर्ली 10 मिनट काफ़ी होते हैं 11:15 से ही कर रहे हैं हम तो 15 कर देंगे 11:15 काफ़ी है यहाँ तक मुझे लगता है. उसके बाद में आपका जो लंच होगा लंच भी आपका वो 2 o'clock से
थ्री ओ क्लॉक बीच में होगा शायद, 1:30 हो जाएगा, 1:30 से 2 या फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो वो टाइम आपको उसके अकॉर्डिंग मेंटेनेंस आपको करनी चलेगी, आपको वो मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने सिस्टमों को, उसके बाद में वीडियो में आपको ना एक पेन ड्राइव दूंगा, उस पेन ड्राइव में पोस्ट है और हो सकता है कुछ सिस्टमों में पहले से ही पोस्ट होगा, तो वो पोस्ट देखेंगे। स्टार्टिंग में आपको जो बताया जाएगा वो सिर्फ सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल अनइंस्टॉल बाकी सारी चीज़ें कैसे करेंगे, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। उसके बाद में मैं आपको जो बोल रहा हूँ कि हम विंडो मीडिया प्लेयर क्यों यूज़ नहीं करेंगे और VNC क्यों यूज़ करेंगे, इसका आपको रीजन पता लग जाएगा, शायद आपको पता होगा उसके अंदर के लिए क्या वजह होती है। क्योंकि क्योंकि जहाँ तक मुझे सुनने में आया कि आप पंजाब से हो सर, वहाँ से उत्तराखंड से, तो आप शायद बीटेक भी किए हुए हो और वो भी IT से, तो ऑब्वियसली इन चीज़ों को आपको ढंग से पता होगा क्योंकि आप ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे ये मैटर नहीं करता मुझे कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया है, और मैं सबको कंबाइन लेके चलूँ, ठीक है। तो अभी मैं आपको वीडियो दूंगा और उससे पहले मैं आपको ना बस स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हम ये चीज़ें क्यों यूज करते हैं। Thank you.